तो गाइज बहुत से दिनों से हमें जिस चीज का इंतजार था हमारे ललित एक्सपेरिमेंट शो यूट्यूब चैनल पर, तो फाइनली वो चीज आ चुके हैं। तो आप थंबनेल में देख के समझ ही गए होंगे आज ये क्या होने वाले हैं। तो फाइनली बहुत से मतलब 20-25 दिन ऑर्डर किए हो गए हैं, बहुत से दिनों से वेट करते करते फाइनली आज जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया था हमने, जो हमारे ललित एक्सपेरिमेंट शो यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो बनाने के लिए एक मतलब ब्रशलेस मोटर बेस्ड ड्रोन ऑर्डर किया था मैंने, तो फाइनली वो आज आ चुका है। तो फाइनली आपके सामने अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा वो कैसा दिखता है, मतलब कैसा मतलब क्या है क्या नहीं है, क्या क्या निकला है, सब तो छोटी सी छोटी चीज दिखाने वाला हूँ। तो पैकेजिंग आप देख सकते हो, जो बॉक्स है बॉक्स बहुत ही बड़ा आया है, मतलब यानी कि ड्रोन भी बहुत ही बड़ा होने वाला है हमारा, जो कि ड्रोन की साइज आप देख सकते हो, बॉक्स की मदद से समझ सकते हो कितना बड़ा होगा ड्रोन हमारा। हालांकि यदि फोल्डेबल है, फोल्डेबल ड्रोन ही इतना बड़े बॉक्स में आया है, तो बॉक्स की साइज अंदाजा लगा सकते हो तो ड्रोन अंदर से कितना बड़ा होने वाला है। बाकी जो बाहर का बॉक्स मतलब जो अमेजोन का मेन बॉक्स होता है ना, जो कार्टन होता है, उसको खोलते ही ड्रोन का बॉक्स कुछ इस प्रकार से बहुत ही बड़ा हमें देखने को मिल जाता है, बहुत ही बड़ी साइज हमें देखने को मिल जाते हैं। तो फाइनली इस बॉक्स के बाहर निकालते हैं ड्रोन के बॉक्स को, तो बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, जो मेन मेन कार्टून है हमारा ऊपर वाला उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो फाइनली जो ड्रोन का बॉक्स है उसके ऊपर सबसे पहले तो आपको जो बारीकी की चीजें हैं हर एक चीजें दिखाने वाला हूं मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ड्रोन में मतलब कैसे होते हैं, कैसे आते हैं, जब ऑनलाइन मंगवाते हैं तो किस कंडीशन में आते हैं, हर एक चीज दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप P12 Pro लॉन्चिंग ड्यूल कैमरा वाला ड्रोन आप ब्रांडिंग देख सकते हो, तो मतलब जो जो इसकी मतलब नॉर्मल जो साइज साइज है ना, साइज नॉर्मल ड्रोनों से बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती हैं। जो इसकी मतलब पीछे की साइड का हिस्सा मैंने मतलब कटर की मदद से काट दिया है, आपके सामने लाइव दिखाऊंगा, खोल के देख सकते हो बॉक्स मतलब कितना शानदार है, कितनी अच्छी लुकिंग दे रहा है बॉक्स। अब बॉक्स के अंदर गाइज एक बॉक्स तो हमने बाहर निकाल दिया है, इससे करके दूसरा बॉक्स हम बाहर निकालने वाले हैं। दूसरे बॉक्स के अंदर से हमें एक केस मिला है, मतलब सूट केस टाइप मिला है, छोटा सा प्यारा सा, बहुत ही क्यूट है, जो कि मतलब कम से कम आप 1 फुट से थोड़ा सा कम मान के चलो, यानी कि बहुत ही अच्छा मतलब सूट केस है, बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ा है, साइज में भी चौड़ा में भी लंबाई में भी बहुत ही मोटा है, मतलब यानी कि ड्रोन तो हमारा पूरा सेफ्टी के साथ आता है, ये तो कंफर्म है। आप मतलब जो ये पैकेजिंग आप देख ही सकती हो, जो कि मैंने फ्लाई रोबो बेस्ड ड्रोन की वेबसाइट से मंगवाया था ये ड्रोन, मतलब बहुत ही अच्छा ड्रोन लगा मुझे। बाकी आप जो ये केस खोलते ही आप नज़ारा देख ही सकते हो कितना अच्छा मतलब ड्रोन की लुकिंग दिख रही है, जो कि मैंने जो ड्रोन मंगवाया था ना वो ब्लैक कलर में मंगवाया था, मतलब काला कलर में मंगवाया था, ब्लैक कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद में सबसे पहले तो हमें जो गाइड देखने को मिल जाते हैं, इसको पढ़ के आप ड्रोन कैसे फ्लाई करना है, कैसे उड़ाते हैं, हर एक चीज मतलब सीख सकते हो इसकी मदद से, बहुत ही अच्छे मतलब बहुत ही आसान है ड्रोन उड़ाना, मैं आपको सबको बता रहा हूँ, बहुत ही मतलब आसानी से उड़ा सकते हो आप ड्रोन घर बैठे, बहुत ही अच्छे से सीख सकते हो इसको पढ़ के। जो सेकेंड नंबर की बुक आते हैं, इसकी मदद से आप जो मतलब ड्रोन की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन की मदद से मतलब फोन से भी उड़ा सकते हो ड्रोन की, जो ये आपको ये मतलब स्क्रेच दिया गया है, मतलब स्कैनर दिया गया है, इसकी मदद से आप गूगल या प्ले स्टोर पर इसकी मदद से डाउनलोड कर सकते हो ऐप को। इसको भी साइड में हटा देते, इसके बाद में जो टूल में क्या मिला है हमको, हर एक चीज आपको दिखाने वाला हूँ खोल के। कुछ इस प्रकार की पैकेजिंग में आपको छोटी छोटी चीजें एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी, हर एक चीज दिखाऊंगा मैं आपको एक एक करके। सबसे पहले तो जो ड्रोन की बैटरी चार्ज करने के लिए हमें यूएसबी केबल दी गई है, ए पिन की, मतलब यूएसबी केबल और ए पिन, यानी कि आप सी टाइप सी नहीं दी गई है, ए वाली पिन दी गई है। साइज आप देख सकते हो लगभग आपको 1 से 1.5 फुट के बीच में ये केबल मिल जाते हैं, केबल आप यूज भी देख सकते हो, नॉर्मल केबल है। आप पीछे की साइड बात करो तो ए वाली पिन है। इसके बाद में हमें 4 प्रोपेलर एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं। बाय द वे, आपके ड्रोन क्रेश हो जाता है या घर पे उड़ाते हो तो आपके प्रोपेलर टूट यानी गलती से टूट जाए, तो एक्स्ट्रा आपको प्रोपेलर दिए जाते हैं ड्रोन में। प्रोपेलर आप देख सकते हो, मतलब बहुत ही अच्छी डिजाइन दी गई है, बहुत ही मतलब बहुत ही लुकिंग में पूरे प्रोपेलर दिए गए हैं, डिजाइनिंग बहुत ही खतरनाक है। इसके बाद में छोटा सा प्यारा सा स्क्रू ड्राइवर देते हैं हमको साथ में,
इसके बाद में 5 छोटे छोटे स्क्रू दिए गए हैं ताकि ये बाय द वे प्रोपेलर टूट जाए ना, तो प्रोपेलर के एक्स्ट्रा लगाने के लिए हम स्क्रू भी दिए जाते हैं। अब इसके बाद में जो फाइनली आता है हमारा जो मेन, जो मतलब पूरे ड्रोन को कंट्रोल करता है, मतलब कमांड देता है, रिमोट कंट्रोल, RC कंट्रोलर, मतलब बहुत ही खतरनाक लुकिंग दी गई है इस कंट्रोलर की। कंट्रोलर आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। बाकी पीछे की साइड आप देखो तो इसमें बैटरी लगती है लिपो की। इसके बाद में जो ये पावर ऑन का बटन दिया गया है, सबसे अच्छा सिस्टम है इसमें। मतलब ये ऊपर का एक क्लिप है ना, ये खुल जाता है, मतलब ये थ्रोटल खुल जाता है, मैंने खोल लिया है। ये तो सबसे पहले करना है हमको। जो इसके बाद में जो फोन फिक्स करने का होल्डर दिया गया है ताकि हम फोन में देखकर ड्रोन को फ्लाई कर सके। इसके बाद में इसको लगा देता हूँ। अब आपको दिखाता हूँ जो मेन हमारा जो ड्रोन का सेटअप है, पूरा ड्रोन दिखाता हूँ, ड्रोन कैसा दिखता है। ड्रोन के सबसे पहले मतलब ड्रोन के बाद में हम देखें तो हम ड्रोन की सेफ्टी कितनी अच्छी दी गई है, ये सबसे बड़ा मानता हूँ। मतलब ड्रोन को हल्का सा भी डैमेज नहीं हुआ है, तब मतलब ड्रोन की सेफ्टी बहुत ही अच्छी दी गई है। अब इसको भी साइड में हटा देते हैं। फाइनली जो हमारा ड्रोन कैमरा है ब्लैक कलर का, उसको दिखा देता हूँ मैं कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता है। बाकी ड्रोन तो बहुत ही अच्छा दिया गया है, मतलब पूरी सेफ्टी के साथ, ना तो कोई मतलब डैमेज होने का तो कोई काम ही नहीं है। तीन तीन बॉक्स के अंदर, फिर केस के अंदर ड्रोन हमें दिया गया है। अब थोड़े से सिनेमेटिक एंगल दिखा देता हूँ मैं ड्रोन का, ताकि आपको अंदाजा लग सके ड्रोन कैसा दिखता है हमारा कैसा नहीं दिखता। जो ड्रोन का जो मतलब जो गिम्बल का एयर है ना, आप देख सकते हो जो ब्रशलेस मोटर दी गए हैं इसमें, मोटर की आप साइज आप देख सकते हो, बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ड्रोन होने वाला है इसमें। क्योंकि पहले वाले ड्रोन में हमारे गियर मोटर थी, मतलब गियर वाली मोटर खराब होने का ज़्यादा रिस्क रहते हैं। इसमें अवॉइड सेंसर भी दिया गया है, चारों तरफ सेंसर लगाए गए हैं। इसमें 5 सेंसर है चारों तरफ, एक ऊपर, ताकि बाय द वे कोई दीवार वीवार आ जाए ना तो उस दीवार टकराने से बहुत ही मतलब बच जाता है दीवार से टकराने से। इसके बाद में हमें लिथियम आयन की बैटरी देखने को मिल जाती है, जो कि 2500 mAh के हैं, मतलब 2500 और 2000 बीच में एमएच की हैं। अब फाइनली जो ड्रोन कैमरा खोल लेता हूँ मैं, सबसे पहले तो जो सारा फोल्डेबल हो रहा है ना पूरा ड्रोन, इसको खोल लेता हूँ मैं एक एक, मतलब थ्रोटल को खोल के खोल लेता हूँ, ताकि आपको बहुत ही अच्छा साइज में पूरी कंपेयर कर सके आपको कितना बड़ा है कितना बड़ा नहीं है। तो ड्रोन के अंदर मैंने बैटरी फिक्स कर दी है। बैटरी फिक्स करने के बाद में जो कि आप लुकिंग देख ही सकते हो, जो इसका वेट की बात करें तो वेट कम से कम आप 150-200 ग्राम मान के चलो, 200 मतलब 200 ग्राम से ऊपर चला गया है वेट इसमें। अब देख ही सकते हो मैंने ऑन करते हैं गिम्बल कितना शानदार से आवाज करता है। आपको मैं ड्रोन की कुछ छोटे मोटे प्यारे सिनेमेटिक शॉट दिखा देता हूँ, ताकि आपको यह हर एक लुकिंग की मालूम पड़ जाए ड्रोन कैसा दिखता है हमारा कैसा नहीं दिखता। भाई वो जो कि ड्रोन की लाइट मैंने चालू कर दी है, यानी कि पावर सप्लाई ऑन कर दी है मैंने। पीछे की साइड में आपको 4 LED लाइट देखने को मिल जाती है, 2 तो रेड और 2 ग्रीन वाले, मतलब बहुत ही अच्छी, जो अगर आप नाइट में उड़ाओगे ना तो नाइट में हर एक चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद में गिम्बल ऑन हो गया, इसमें गिम्बल है, आपको रिमोट से ही आप ऊपर ड्रोन को मतलब कैमरे को एडजस्ट कर सकते हो। मतलब बहुत ही अच्छी पूरी फैसिलिटी दी गई है इस ड्रोन में, देख सकते हो मैंने ऑन करते ही कितना प्यारा गिम्बल हम वर्क करता है। इसमें ब्रशलेस मोटर दी गई है, इसमें बहुत ही ज़्यादा पावर होती है ड्रोन में, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ड्रोन है ये। अगर आप पहले मतलब उड़ाओ तो बहुत ही अच्छे से उड़ाना, हालांकि क्रेश होने का कोई काम ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल के साथ उड़ता है ड्रोन, बहुत ही मतलब एक जगह पर टिका हुआ होता है ड्रोन। अब यार इस ड्रोन को यहाँ तक नहीं उड़ा सकते, वीडियो भी हमारे बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर इसे हम एक साथ ही मतलब उड़ा के भी दिखाऊँ ना तो कम से कम 20-25 मिनट की ये वीडियो बन जाएगी। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया है, जो हमारा ललित एक्सपेरिमेंट शो यूट्यूब चैनल है, ये वीडियो तो हमारे प्यारे ड्रोन की अनबॉक्सिंग की हो जाएगी। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना हमारे ललित एक्सपेरिमेंट शो यूट्यूब चैनल की, उस वीडियो में जो मतलब ड्रोन को कैसे फ्लाई करना है, मतलब कैसे उड़ाना है, सबसे पहले तो मैंने यहाँ उड़ाने की कोशिश की तो मतलब ये गुलाब का जो फूल की ये गमला है वो अड़ चुका है, मतलब इसमें टच होते ही मतलब डैमेज हो जाता, बच गया वो तो ड्रोन। यार सॉरी यार दोस्तों, मतलब इस जगह तुम तो नहीं उड़ा सकते, क्योंकि ये अवॉइडेंस सेंसर काम करता है इस जगह पर, यहाँ उड़ता ही नहीं, उड़ाते हैं ना फिर भी नहीं उड़ता, क्योंकि यहाँ पर मतलब चारों तरफ सेंसर काम करता है। इसमें सेंसर की मतलब सेंसर की मदद से ये ड्रोन यहाँ पर बिल्कुल भी दीवारों की चारों तरफ दीवारें हैं यहाँ पर नहीं उड़ सकता। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि जो सेकंड वीडियो आएगी ना ड्रोन की, उसको आपको उड़ा के दिखाऊंगा कैसे फ्लाई करना है, मतलब उड़ा कर दिखाऊंगा आपको हर एक चीज़,
कितना ऊपर जाता है रेंज, हर एक चीज टेस्ट करेंगे। बाकी हमारे ललित एक्सपेरिमेंट सो यूट्यूब चैनल को पहली बार आए जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर आरसी प्रोजेक्ट, साइंस प्रोजेक्ट, एक्सपेरिमेंट की वीडियो मिलती रहेगी। बाकी आज के ड्रोन की अनबॉक्सिंग की वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना। हमारे ललित एक्सपेरिमेंट शो यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका ललित भाई का ही चैनल है। इस यूट्यूब चैनल पर साइंस प्रोजेक्ट की वीडियो मिलती रहेगी। चलो फिर मिलते हैं।